एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि ट्रिग्नोमेट्री वर्ड आया कहाँ से है, ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है। इस वीडियो हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के तरीकों को जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर टू एनसीईआरटी का, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल आप अच्छे तरीके से जानते हैं। If angle B and angle Q are acute angle such that sin A equal to sin Q, then prove that angle B equal to angle Q. Solution. Let us consider a triangle ABC and PQR. Let us consider a right triangle ABC and PQR. बना लेते हैं। Let us consider a right triangle ABC PQR at right angle C and R respectively. और क्या देख रखा है कि एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल। एंगल बी एंड एंगल क्यू आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि साइन ए, सो साइन ए साइन ऑफ एंगल सॉरी साइन बी साइन बी का मतलब है साइन ऑफ एंगल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? एसी, हाइपोटेन्यूज AC upon AB and sin Q, sin of angle Q also perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular क्या है? PR. Hypotenuse क्या है? PQ. तो पी आर अपॉन पी क्यू गिवन क्या देके रखा है कि साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, मतलब साइन बी इक्वल है साइन क्यू के, तो देयर फोर साइन बी इक्वल टू साइन क्यू गिवन देके रखा है। गिवन साइन बी कितना है? ए सी अपॉन ए बी। साइन क्यू कितना है? पी आर अपॉन पी क्यू। दस इंप्लाइज डैट ए बी का मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं और पी आर का डिवाइड इधर कर देते हैं, तो
एसी अपॉन पीआर हो सकता है इक्वल टू एबी अपॉन पी, इसका मल्टीप्लाई इधर किए हैं और इसका डिवाइड इधर कर दिए हैं, हो सकता है एसी अपॉन पीआर और एबी अपॉन पी क्यू, एसी अपॉन पीआर एबी अपॉन पी क्यू। इसकी कुछ वैल्यू मान लेते हैं कि ये के है, मान लेते हैं ये के के इक्वल है, के कोई पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं, अगर ए बी अपॉन पी क्यू के है और ए सी अपॉन पी आर के है तो ए सी इक्वल टू के पी आर, ए सी इक्वल टू के इंटू पी आर एंड ए बी इक्वल टू के पी क्यू। यहां तक समझ में आ रहा है, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू के है तो ए बी इक्वल टू के इंटू पी क्यू, ठीक है। आगे चलते हैं, मिटा देते हैं। नाउ अप्लाइंग पाइथागोरस इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू, ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर प्लस इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो सी बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर रूट। सिमिलरली सिमिलरली पी क्यू सॉरी आर क्यू इक्वल टू अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। सो सी बी अपॉन आर क्यू, सी बी अपॉन आर क्यू इक्वल टू अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, के पी के पी क्यू, तो अंडर रूट के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, ए बी इक्वल टू के पी क्यू, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू के पी आर, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर पी आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। सो के बाहर आ जाएगा, के अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, कैंसल आउट, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर रूट कैंसल आउट इक्वल टू के।
अब एक बात ध्यान दीजिए, एसी अपॉन पीआर के इक्वल है, एबी अपॉन पीक्यू के इक्वल है, एंड सीबी अपॉन पीक्यू भी के इक्वल है। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव एसी अपॉन पी आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू सी बी अपॉन आर क्यू इक्वल टू के। अगर किसी ट्राइंगल के साइड का रेशियो आपस में इक्वल होता है तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं वो ट्राइंगल क्या होता है, सिमिलर होता है। तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। हेंस इफ टू ट्राइंगल आर सिमिलर देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल। अगर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये ट्राइंगल इसके सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग एंगल बी के करस्पॉन्डिंग क्यू है, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। कंसीडर ट्राइंगल ए बी सी ए बी सी राइट एंगल एट सी इन विच ए बी 29 यूनिट्स ए बी 29 यूनिट्स एंड बी सी 21 यूनिट्स बी सी 21 यूनिट्स एंड एंगल ए बी सी थीटा एंगल ए बी सी थीटा। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड सेकेंड कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सॉल्यूशन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा निकालने के लिए सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस। By Pythagoras theorem, AC square plus CB square equal to AB square। ठीक है, AC निकालना है, AC equal to under root AB square minus CB square under root। ए बी कितना दिया है 29 का स्क्वायर माइनस सी बी 21 का स्क्वायर। ठीक है, 29 का स्क्वायर 841 माइनस 441 इक्वल टू रूट 400 इक्वल टू 20 यूनिट। एसी कितना आ गया 20 यूनिट। सो कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस 21 hypotenuse 29 and sin theta equal to perpendicular upon hypotenuse, perpendicular 20 or hypotenuse 29। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा
कॉस स्क्वायर थीटा कितना निकाल लेते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा हमने निकाला था 21/29 एंड साइन स्क्वायर थीटा निकाला था 20/29। तो 21/29 का स्क्वायर प्लस 20/29 का स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 441 प्लस 400/841 इक्वल टू 841/841 इक्वल टू 1। तो साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना आ गया? 1। सेकंड देखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा 21/29 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा 20/29 का स्क्वायर, 441 माइनस 400 अपॉन 841 कितना आ जाएगा? 41/841। तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कितना आया है? 41/841। इन राइट ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी इफ 10a इक्वल टू 1 देन वेरीफाई दैट 2 साइन ए कॉस ए इक्वल टू 1। आइए देखते हैं गिवन में क्या दिया है। 10a मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, एंगल ये वाला है, एंगल ये वाला है 10, एंगल ए है 10 ऑफ ए, तो जब एंगल ये रहेगा तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर। ट्रायंगल ऐसे बना देते हैं अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। घुमा दिया है ट्रायंगल, एंगल ये है ए बी सी, तो ये क्या हो गया? बेस। और ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो 10a इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है? BC, और बेस क्या है? AB, तो BC अपॉन AB। 10a की वैल्यू गिवन दी है कितना? 1। BC अपॉन AB 1 है, तो इसका मतलब इज नोन एज BC इक्वल टू AB, BC AB दोनों क्या है? इक्वल है। इज नोन एज इफ BC इक्वल टू AB, मान लेते हैं ये दोनों किसके इक्वल है? K के इक्वल है, C वेयर K इज पॉजिटिव नंबर। मान लिया AB भी K है और BC भी K है, अगर AB भी K है और BC भी K है तो AC निकल नहीं जाएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB भी K है, K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 2K स्क्वायर, तो AC इक्वल टू रूट 2K। अगर AC रूट 2K है देन
देन साइन ए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये रूट टू के है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है के, हाइपोटेनियस रूट टू के, कितना आ गया वन अपॉन रूट टू। सिमिलरली कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस भी के है अपॉन रूट टू के, इक्वल टू वन अपॉन रूट टू। हेंस टू साइन ए कॉस ए, टू इंटू साइन ए वन अपॉन टू रूट टू इंटू वन अपॉन टू रूट टू कितना हो जाएगा, टू इंटू वन अपॉन टू इक्वल टू वन। प्रूफ हो गया कि टू साइन ए कॉस ए कितना है वन है, वेरीफाइड, वेरीफाइड। नेक्स्ट देखते हैं इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू राइट एंगल एट पी, राइट एंगल एट पी OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन Q एंड कॉस Q। सॉल्यूशन, इफ OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर देन OQ इक्वल टू माइनस उधर जाएगा प्लस वन प्लस PQ लिख सकते हैं। नाउ इन ट्राइंगल OPQ बाय पाइथागोरस बाय पाइथागोरस थ्योरम OQ का स्क्वायर इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, ठीक है ना। OQ क्या है वन प्लस PQ, तो लिख सकते हैं वन प्लस PQ का होल स्क्वायर इक्वल टू OP कितना है सेवन, सेवन का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, वन प्लस PQ का स्क्वायर, वन प्लस PQ का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। लगा देते हैं वन का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू पी क्यू, टू पी क्यू इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। पी क्यू पी क्यू दोनों तरफ है, कट जाएगा 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 2 पी क्यू इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49, 2PQ इक्वल टू 49, वन इधर प्लस है इधर आएगा माइनस इक्वल टू 48, PQ इक्वल टू 48 बाई 2 इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। PQ कितना आया है 24 सेंटीमीटर। अगर PQ में एक जोड़ दे तो OQ निकल जाएगा, देन OQ इक्वल टू 1 प्लस 24 इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। OQ कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हम इजीली निकाल सकते हैं साइन Q प्लस कॉस Q, एंगल किसको मानना है Q को मानना है, तो सो साइन Q इक्वल टू
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। देखिए एंगल ये है तो परपेंडिकुलर अपोजिट साइड होगा, तो ओपी ओपी अपॉन हाइपोटेनियस, तो ओपी 7 सेंटीमीटर का अपॉन हाइपोटेनियस 25 सेंटीमीटर का। एंड कॉस क्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो एंगल क्यू है तो बेस ये रहेगा एडजेसेंट साइड, तो 24/25। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम एनसीईआरटी का 8.1 एक्सरसाइज जानने की कोशिश करेंगे।